वयंतम सुतो पंगो मोर्मोर्मी मत्स्य वस्तु पदम भुज श्री राधा मदन मोहनो दिव्याय वंदरण्य कल्पतरु महाकाशी मधुनाकार सिंहनस्थ श्री श्री राधा गोविंद देव श्री श्री राधा गोविंद देव पृष्ठल विषय मान स्वामी श्री मान कथा पर ना कृष्ण फोन कर तुम कौन अच्छी है जी ना है जी तुम सब कहीं हो श्री श्री जो औषध पे हो समय बहुत खराब समय समय पर अच्छा समय नहीं चल रहा है थोड़ा हो जाए ना कुछ नहीं हो बोले टेस्ट करो कोरोना की धंधा बना लिया हॉस्पिटलों में स्थिति यही हो रही है और इतने पैसा वो देखेंगे तो व्यवस्था इसके पास अच्छी है वो आपको कहते ये हमारे पूरी में हमारे कुछ किसको भर्ती कुछ किया क्या कुछ बीमारी हुआ था उन्होंने देखा गाड़ी में आई उन्होंने बाबा लोग गाड़ी के बाद देखकर वो अलग फील बनाना शुरू कर देते जीव कुला उधार कारणी करुणा बारी द कृपा बारी दने पद से गुरु शरण कमल कृत गीत वाच प्रियारी कीर्तने रहे न मगन महामत मने रोमांच कंपासु हाय गौर प्रेमी Thank you.
Hare
श्री कृष्ण चैतन्य कदाचित् कालेन्दे तट विपिना संगीत ताटे दुकुलम निप्रंते साचारी कटाक्षम विददाद सदा श्रीमत वृंदावन वसति लीला परिचाय जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे वामदृष्टि कनक रुचिरे नील शिखर वसन प्रसादा सकल सुरा सेवावसर जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे कृपा परवार सजल जलज श्रेणी रुचिरो रमावणि राम जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे रथ रूढ़ो गच्छन् पथि मिलिता भूदेव पटलै सुस्तुता प्रतिपद मुपाकर्ण सदय दया सिंधु बंधु सकल जगतां सिंधु सुताय जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे परम ब्रह्म पीड़ा कुवलय दलो फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रौ मिहित चरणो नंद शिरासि रसानंदी राधा
पापोत्ताप
कृष्ण गुण स्मृतेर मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को राधा कुंड तटे दो अष्टक हो गए आपका था ये वृंदा देवी का अष्टकम वृंदा देवी का अष्टकम निकाल वृंदा देवी का अष्टकम निकाल ये वृंदा अष्टकम निकल जाए मिले गंगे चंपे ताड़े विनंदे रोचे Yeah.
वर्धन बेसे हरि निस्फुट वृदाबिपिने से वृषभानुदादि जय राधे जय जय माधव दैते जय राधे जय जय माधव दैते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे निताई गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और सब गोपियाँ कहाँ गई? हाँ जग नहीं पाई। लेट में विश्राम किया ना? हाँ लेट हो। मेरे को भी बड़ी नींद लग रहा है ना? मैं लेट कर रात में सोया, फिर मैंने जल्दी उठ के हरिनाम किया, जल्दी उठ कर हरिनाम किया, इसलिए नींद मेरी पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर सवेरे। हाँ हरे कृष्णा 5 मिनट गाता सुन लो। ओम ज्ञान तिमिराम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। कोई देखते हैं? हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री गुरुदेव की जय, बोले प्रभुपाद की जय। हाँ, प्रभुपाद का एक क्वेश्चन ही आंसर सुन लेते हैं। किसने प्रभुपाद को प्रश्न कर रहे हैं, हम लोगों का मंगल कैसे होगा? हम दुनिया में क्या चाहते हैं? अपना मंगल हो। और क्या चाहते हैं? हमारी सुविधा कैसे हो संसार में, हमारी सुख सुविधा कैसे हो और जीवन में मंगल कैसे हो, हम यही संसार में चाह रहे हैं। इसलिए इसका उत्तर प्रभुपाद देते हैं, बोले गृह व्रतवा गृहशक्त हेले भयानक असुविधा, किंतु जिनी अनुक्षण कृष्णर सेवा करें सही गुरुदेवर अनुगत्य ओ सेवा करिले आमादर आर कोनो असुविधा थाकबे ना। हाँ देखो, ये चीज़ को अच्छे तरह से समझ लो। प्रभुपाद क्या कहते हैं? कहते तीन तरह के लोग होते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के। क्या किया? एक गृह व्रत, एक गृह मेधी और एक गृहस्थ। तीन व्यक्ति होते हैं। बोले गृह मेधी मतलब क्या है? बोले जिसका दिमाग में है घर ही घर और कुछ नहीं जानता है, बच्चों कैसे पाले, अपना संसार कैसे चलाए, अपना रसोई बनाए, खाए पिए हैं। इसलिए मेधी मतलब दिमाग में सवेरे उठते नमक है कि नहीं, हल्दी है कि नहीं, सब्जी है कि नहीं, टमाटर है कि नहीं, चावल है, इसके सिवाय और जो कुछ नहीं जानता है, बस इससे ही अपना जीवन को ऐसे ही जो जीवन बिता देता है। कहते गृह मेधी। कहते गृह व्रत कौन है? बोले घर को ही जो अपना व्रत बना लिया, मेरे बीवी बच्चे मैं दुनियादारी, इसके सिवाय दुनिया में और कुछ नहीं, यही सब कुछ है और इसके सिवाय दुनिया में कुछ नहीं। इसलिए जिसने गृह को ही अपना व्रत ही बना लिया यही। हाँ, और एक चीज़ होते हैं गृहस्थ। गृहस्थ मतलब क्या है? जब श्री युधिष्ठिर महाराज को पांच भाई थे, उनके पांच भाई को पांच पत्नियां भी है, द्रौपदी तो है, सभी का अलग अलग ही पत्नी है, हैं? इसलिए उनका बीवी बच्चे बहुत हो गए, परिवार हो गया। एक दिन नारद जी उनके घर में आए, तब उन्हें नारद जी को बैठा करके चरण में प्रणाम किया, चरण धोए। तब नारद जी को प्रश्न कर रहे हैं, बोले हम तो इतना बड़ा घर गृहस्थ, हमारा संसार हो गया, अभी हम क्या करें संसार में, जो कि संसार में रहते हुए भी हमें भगवान मिल जाए, हमें ठाकुर जी मिल जाए, आप बताओ कि कैसे क्या करनी चाहिए। तो उन्होंने बताया, गृह उपस्थित राजन क्रिया कुर्बन जथोचिता वासुदेव अर्पण साक्षात उपासित महामुनि। हाँ, इतना चीज सीख लो हैं। बोले गृह में रहो लेकिन कोई गंदा काम मत करो, धोखेबाजी देना, दूसरों को कष्ट देना, बेईमानी करना, हाँ झूठ, हाँ मुठ बोलना, कभी ये सब काम नहीं करनी चाहिए। अपना सद्मार्ग में रह करके पैसा को सद्मार्ग में कमाओ हैं, कार्य जथ। और क्या करो? वासुदेव अर्पण साक्षात, जो कुछ करते हो भगवान के लिए करो। जैसे रसोई बना रहे हो, किसके लिए रसोई बना रहे हो? भगवान की भोग लगेगा, बस भक्ति हो गया ना। घर में झाड़ू लगा रहे हो, कहाँ भगवान की मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। स्नान कर रहे हो, क्यों? गंदे शरीर में ठाकुर की सेवा कैसे करेंगे? बच्चों को थपथपी लगा कर सुला रहे हो, बच्चे कौन? बोले भगवान की बच्चे, गोपियाँ जैसे बच्चों को थपथपी लगा कर सुलाती थी और इधर क्या बोलती थी? बोले गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती, हे कृष्ण हे गव दब हे सखेती, गोविंद दामो दर मा। गोपियाँ भी घर में रहती थी लेकिन उनका मन प्राण चित्त कहाँ लगा था? ठाकुर जी में, हैं, ठाकुर जी में। इसलिए कहते उपासित वासुदेव अर्पण साक्षात उपासित महामुनि। इसलिए जब सब कुछ भगवान के लिए करेंगे, बोले मुक्त संग समाचारित, उसका फल बंधन नहीं है, संसार से पार हो जाओगे। लेकिन जब शरीर में मैं और मेरा, शरीर में और ये जितने वस्तु सब मेरा है, मैं मेरा तेतरी ये माया है,
जब ये सोच कर करोगे फिर तो दुख कष्ट भोगोगे। इसी जीवन का कर्म लोगे दूसरे जीवन में, दूसरे में तीसरे जीवन में, चौथे जीवन में, ऐसे ही भटकते रहोगे। लेकिन जो कुछ करना किसके लिए करना है? ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए, सब कुछ भगवान के लिए हमें करना है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कैसे करना, किंतु जिन्हें अनुक्षण कृष्ण सेवा करें, कभी जो लोग हर समय भगवान की सेवा करते हैं, सही गुरुदेव अनुगत्य हो सेवा कर ले हमारे और कौन असुविधा है ना। बोले गुरु जी क्या करते हैं, गुरुदेव जो कुछ करते हैं भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए करते हैं। जब उनके अनुगत्य में हम करेंगे फिर सब कुछ ठाकुर जी के लिए करेंगे, सब कुछ हम भगवान के लिए करेंगे, भगवान के लिए करेंगे तो फिर तुम्हारी संसार में कोई असुविधा नहीं रहेगा। घर में कुछ नहीं होगा ना, ठाकुर खुद ला कर पहुँचा कर जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा ना, ठाकुर खुद पहुँचा कर जाएंगे। लेकिन उनका पक्के भक्त होनी चाहिए, कच्चा भक्त होने पर नहीं होगा। भगवान कहते अनन्य चिंतन तमाम, बस केवल दिन रात केवल उनकी याद रहे, उनकी स्मरण, उनका ही चिंतन, उनका ही भावना रही होगा। तो भगवान कृष्ण खुद कहते हैं उसके घर में जो कुछ नहीं होगा मैं सर पर ढो कर पहुँचाऊँगा, और घर में जो कुछ होगा ना मैं एक चौकीदारी बन जाऊँगा, बन करके उसको रखवाली करूँगा। भगवान खुद कहते अगर उनका पक्के अगर भक्त हो गए, लेकिन हमारा विश्वास नहीं होता। लेकिन दुनियादारी में तो विश्वास हो जाता है, हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में हमारे विश्वास नहीं होता है। लेकिन अगर विश्वास एक बार हो गया बस काम तुम्हारी बन जाएगा, समझ रहे हो। दुनिया का मालिक है, सारे देने वाले वही है, सारे चाबी काठी उनके पास में, सारे चाबी काठी, थोड़ा चाबी घुमा देंगे ना बस हो गया काम हो गया। इसलिए यहाँ पर कहते कहते भगवत भक्तेर अनुगमन और अनुसरण व्यतीत तो मंगल रास्ता नहीं। इसलिए क्या करनी चाहिए, जो भगवान की जो शुद्ध भक्त है उनको हर समय हमें उनको अनुसरण करनी चाहिए, उनको फॉलो करनी चाहिए। इसके सिवाय और हमारी कोई रास्ता नहीं। क्योंकि कहते ना जैसे संगत करोगे वैसे रंग, चोर को साथ में तो चोर बनोगे, गुंडा को साथ में तो गुंडा बनोगे, डाकू को साथ बनोगे डाकू बनोगे, शराबी को साथ में बैठ कर शराबी बनोगे, और भक्तों को साथ में बैठ कर तो क्या बनोगे, भक्त बनोगे। इसलिए यहाँ कह रहे क्या करो, कहते भगवान की भक्तों के संग को द्वारा ही कल्याण होगा। इसलिए मूल वस्तु भगवान रे सेवा अपेक्षा भगवत पृष्ठ गुरुदेव सेवा अधिक मंगलजनक। यहाँ पर कह रहे हैं भगवान की भक्ति है करने पर जितने लाभ, अगर भगवान ही कोई भक्त है ना, अगर उनका अगर सेवा करोगे तो कहते उससे ज़्यादा लाभ है, उससे ज़्यादा लाभ। इसलिए भगवान कहते हैं जो कहता है मेरा भक्त भगवान को, तो मेरा भक्त नहीं है, मेरा असली भक्त कौन, जो कहता है मैं भक्तों का भक्त हूँ, भगवान कहते हैं मेरे वो असली भक्त, जो मेरी सेवा पूजा करते हैं मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ वो मेरे को पाएंगे, लेकिन मेरे भक्तों का जो सेवा करते हैं मैं गारंटी दे सकता हूँ वो मेरे को जरूर प्राप्त करेंगे। इसलिए हमारे गुरु सेवा कर ले पतित जीवर उद्धार है। जब कहते हम गुरु जी का सेवा करेंगे हम जो गिरे हुए व्यक्ति है हमारी उद्धार हो जाएगा। जरा वास्तविक मंगल चांद तारा अवश्य ही सादरे गुरु वैष्णव सेवा करीबेन। कहते जो वास्तव रूप में अपना जीवन का कल्याण चाहते हो क्या करे, हर समय साधु संतों की सेवा करे। लेकिन ऐसे नहीं जैसे तैसे साधु संतों की सेवा में कर ले, नहीं, सचमुच से जो साधु संत हैं, जो सचमुच से भगवान की सेवा 24 घंटा में 24 घंटा भगवान ही की सेवा करते हैं, उनकी चिंता, उनकी भक्ति, उनका ही नाम जो 24 घंटा में हर समय उन्हीं के लिए करते हैं, हैं, ऐसे नहीं जो रास्ता में दर दर भटकते हैं वो साधु भेष ले लिया, पैसा मांगते हुए फेरते हैं, लेकिन आप तो पैसा दे रहे हो लेकिन आपको पता नहीं वो पीछे क्या करते हैं, हैं। इसलिए जब तक हम पहचान नहीं ने साधु को तब तक करना बड़ा कठिन है, समझना, समझ रहे हो। ऊपर दिखता है साधु वेश धारण करते हुए क्या करते हैं, कुछ ऐसे कुछ व्यक्ति लोग होते हैं जो अपना संसार चलाने के लिए भी साधु वेश धारण कर लेते हैं और घर घर में मांगते फिरते हैं, लेकिन आपने देखा साधु वेश पहना हुआ कुछ चीज दिया लेकिन जाकर के अपना घर गृहस्थी में लगा देते हैं, हैं, और कभी कभी क्या करते उल्टा पुल्टा खा भी लेते हैं, आपको क्या पता है, हैं। इसलिए कहते हैं देने से पहले सोच करके क्या सचमुच से ये
भगवान की सेवा भगवान की भक्ति करते कि नहीं हैं, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन इसलिए कहते हैं गुरु कर जान के पानी पियो छान के, जान करके हर चीज़ करनी चाहिए तभी हमारी लाभ। इसलिए यहाँ कह रहे हैं गुरु वैष्णव की सेवा करनी चाहिए लेकिन देख सुन कर करनी चाहिए। हाँ सादर हाँ शास्त्र सुनने से हरिकथा सुनने से हाँ बोले गुरु वैष्णव सेवा की गुरु वैष्णव गण कृष्ण सेवा व्यतीत आर किछु करे ना। देखो यहाँ पर बताए गुरु वैष्णव सेवा करनी चाहिए, फिर वो कह रहे हैं बोले भैया गुरु वैष्णव सेवा की क्या, गुरु वैष्णव का सेवा है उनको पहचाने कैसे। बोले गुरु वैष्णव गण कृष्ण सेवा व्यतीत अन्य किछु करे ना। कहते तो गुरु वैष्णव क्या करते हैं, बोले कृष्ण की सेवा छोड़कर के और कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं मत कथा मत गता चिंता बोधयन्ते परस्पर, हर समय मेरी कथा मेरी चिंता मेरी भक्ति में ही वो डूबे रहते हैं। गुरु वैष्णव सेवार अर्थ तहा दिग के भगवत सेवाए सहायता करा साधु गुरु र आज्ञा निर्विचारे सानंदे पालन करा। कहते गुरु वैष्णव सेवा का तात्पर्य क्या, हम कहते गुरु वैष्णव सेवा करो, कहते इसका तात्पर्य क्या है, कहते वो जो भगवान की सेवा कर रहे हैं भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनमें मदद करो, उसमें भगवान की सेवा में भक्त सेवा में क्या करो उनको साथ में मदद करो हैं, उनको मदद करो। इसलिए साधु गुरु जो उनका जो आज्ञा है सचमुच से भक्त हैं उनका आज्ञा को बिना विचार किए हुए पालन करनी चाहिए। ऐ जन्य सर्ववस्थाए गुरुबागुण प्रयोजन, इसलिए कहते इसलिए हर समय गुरु जी की अनुगत्य करना हर समय प्रयोजनीय है। कहते गुरुबानुगत बात दिया निजे निजे कृष्ण सेवा करीवार दाम्भिकता कर ले असुविधा है। कहते अगर हम साधु गुरु वैष्णव का अनुगत नहीं करते बोले जरूरत है इनका, हम अपने आप क्या सेवा नहीं कर सकते, अपने आप कर लेंगे हैं अपने आप कर लेंगे, बोले नहीं फिर तो वहाँ दाम्भिकता ही वहाँ प्रकाश होता है और तरह तरह का वहाँ आपत्ति विपत्ति वहाँ आता है। इसलिए हर समय अनुगत्य में रह करके सेवा करनी चाहिए। कि गुरु के अस्वीकार व अवज्ञा कर ले सर्वनाश है। कहते गुरु जी को अगर अवज्ञा करते हैं अस्वीकार करते हैं फिर हमारी कल्याण नहीं होता है। आमी हरि सेवा करी एटा केवल दाम्भिकता, दाम्भिकता ही पतन रे परम कारण और प्रधान कारण। यहाँ पर कहते हैं अगर कोई व्यक्ति गुरु वैष्णव साधु संत की बगैर अनुगत्य से कहते कोई जरूरत नहीं हम अपना ही सब कुछ कर लेंगे हैं, इनका कोई ज़रूरत है नहीं, मीडिएटर रखकर कोई ज़रूरत नहीं, हम अपने आप सब कर लेंगे, कोई गुरु वैष्णव साधु की कोई ज़रूरत नहीं। कहते वो क्या है, कहते ये दाम्भिकता है प्रकाश पाते हैं, भगवान इनका सेवा को स्वीकार नहीं करते हैं। कहते ये पतन का कारण है, ये पतन का कारण है। इसलिए कहते गुरु वैष्णव छिद्र देखिले सर्वनाश है। कहते गुरु वैष्णव का छिद्र नहीं देखनी चाहिए, दोष नहीं देखनी चाहिए। इसलिए हर समय क्या देखो, गुण देखो। इसलिए जैसे मधुमक्खी है ना, क्या करता है हर पुष्पों पर बैठ करके शहद लेता है हैं, और मक्खी क्या करता है वो गंदी चीज के ऊपर बैठेगा, लेकिन मधुमक्खी क्या करेगा पुष्पों पर बैठ करके उसका शहद को ग्रहण करेगा। इसलिए हमें किसकी दोष ऊपर ज़्यादा नज़र नहीं देनी चाहिए, उनके अंदर में जो गुण हैं वो कैसे ठाकुर का सेवा करते हैं कैसे भक्ति करते हैं उनके गुण का प्रति नज़र दो हैं, उनके पास में जितना अच्छा चीज़ होगा वो अच्छे चीज़ को हमें ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे नहीं अच्छे चीज़ का प्रति नज़र दिया ही नहीं, उनका केवल दोष दोष के ऊपर ही केवल नज़र दिया, नहीं देनी चाहिए हैं। इसलिए अवधूत ने 26 गुरु बनाया, उनने एक वेश्या को भी गुरु बनाया। बोले वेश्या से कुछ शिक्षा मिल सकता है, खद वेश्या से उनने एक वेश्या को भी गुरु बनाया, उन्होंने 26 व्यक्ति को उन्होंने गुरु बनाया, उसमें एक वेश्या है, वेश्या को क्या कैसे गुरु बनाया। देखो एक वेश्या वो क्या करती है, अपना शरीर को बेच करके पैसा कमाती है, वो सद धज करके बैठी गई, सद धज करके बैठी गई और वो देख रहे एक व्यक्ति आ रहा है, वो सोच रही है जरूर मेरे पास में आ रहा है, हैं मेरे पास में जरूर आएगा,
लेकिन देखा वो व्यक्ति सामने होते हुए चला गया, लेकिन उसको पास में आया नहीं। फिर देखा और एक व्यक्ति आ रहा है, बोले ये तो जरूर मेरे ही पास में आएगा, वो मेरे ही पास में आ रहे हैं। लेकिन देखा वो भी उसको सामने होते हुए वो भी चला गया, वो भी नहीं आया। थोड़ी देर बाद में देखा और एक व्यक्ति आ रहा है, बोले तो जरूर मेरे पास में ही आ रहा है। ऐसे उसकी रात बीत गई लेकिन कोई आए नहीं उसको पास में। फिर उनने देखा आशा ही परम दुख निराश ही परम सुखम, जो आशा है हैं हमारी जो आशा इस होगा ये होगा कभी परम दुख का कारण है, इसलिए उन्होंने सारे आशा को छोड़ करके क्या किया, उन्होंने जाकर के विश्राम कर लिया। इसलिए कहते जो आस है हाँ हम चेष्टा करो, भगवान कहते कर्मण्य अधिकार वा, कर्म में तुम्हारी अधिकार है लेकिन फल देने वाला तो मैं हूँ। हम परिश्रम कर सकते हैं लेकिन फल देने वाले कौन है, ठाकुर फल देने वाले हैं, इसलिए उनको ऊपर में हमें छोड़ देनी चाहिए लेकिन अपना चेष्टा करनी चाहिए। लेकिन जो देने वाले ठाकुर जी देने वाले हैं, जितना ठाकुर जी देंगे उतना में ही हमें प्रसन्न होकर के उतने में रह करके क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते गुरु सेवा व्यतीत जीवर किचु तो सुविधा मंगल है बिना, बोले जब तक हम सदगुरु जी की चरण सेवा नहीं करते हैं उसके बगैर कभी जिंदगी में कोई सुविधा भी नहीं होगा और कभी जीवन में मंगल नहीं होगा। निजे सुखर जन व्यस्त है अमंगल, कहते हर समय अपना सुख के लिए चेष्टा मत करो, किसके सुख के लिए, ठाकुर को हम कैसे सुखी करेंगे, ठाकुर को कैसे भक्ति करेंगे, उनको कैसे सेवा करेंगे, उनको कैसे नाम करेंगे हैं, हर समय उनकी चेष्टा के लिए कोशिश करो। देखो एक ये चीज़ को दिमाग में अच्छे तरह से बैठाओ, जैसे एक शीशा के सामने खड़े हो जाओ, अपना शरीर को अच्छे तरह से श्रृंगार करो। आप देखना जब अपना शरीर को अच्छे तरह से श्रृंगार करोगे उसका जो परछाई है ना वो अपने आप सज जाती है। परछाई को श्रृंगार करना पड़ता है, अपना शरीर को जैसे सजा दो परछाई वैसे सज जाती है। इसका मतलब है जिसको विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं जब भगवान की सेवा के लिए हम चेष्टा करेंगे उनको कैसे सुख करेंगे, उनको कैसे अच्छे भोग लगाएंगे, उनके श्रृंगार करेंगे, उनकी सेवा हम कैसे बढ़िया से बढ़िया कर सकें। जब ठाकुर को अच्छे तरह से देखो करोगे ना ठाकुर तुम्हें अपने आप सजा देंगे। जैसे शरीर को सजाने पर परछाई अपने आप सज जाती है, मूल किया ठाकुर जी, जब हम उनको सजाएंगे उनके श्रृंगार करेंगे तुम अपने आप सज जाओगे, अपने आप सज जाओगे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर हर समय अपना सुख सच ढूंढे, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगी, मेरे कैसे होगा, फिर तो मैं करते रहोगे, फिर बकरी मैं करता फिर मरते रहोगे। इसलिए अपना मैं छोड़ देनी चाहिए, मैं छोड़ करके हम भगवान कैसे सुखी करें, उनके कैसे सेवा करें, उनका कैसे हो, हर समय उनकी सेवा में। इसलिए एकांतिक ना हो ले कृष्ण सेवा है ना, भगवान की सेवा एकांतिक होनी चाहिए, एकनिष्ठ होनी चाहिए। नहीं आज इसको पूजा कर दिया, कल वहाँ पर चले गए, भले वहाँ पर काम नहीं बना, वहाँ पर कोई और एक देवी निकला है वहाँ पर चलो, वहाँ पर कहीं ना खुले वहाँ पर एक बाबा है, नहीं बस मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा न कोई, उनको चरण में ही आस लगा करके रहनी चाहिए हैं। अलग अलग आस हमें छोड़ देनी चाहिए हैं, रखेंगे तो रखने वाले वही राखे हरि तो मारे के, मारे हरि तो रखे के, जो भगवान जिसको रक्षा करते हैं, जाके राखे साहिया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी होई हैं। इसलिए जब वो हमें रक्षा करेंगे फिर तो हमारी दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए गुरु सेवा ना कर ले एकांतिक हवा जाए ना, भले जो गुरुदेव सचमुच से एकांत की भक्ति करते हैं हैं, जो गुरुदेव एकांत की भक्ति करते हैं, जब हम उनकी सान्निध्य में आएंगे, जब उनकी अनुगत्य करेंगे फिर हम भी एकांत की भक्त बन जाएंगे हैं। लेकिन अगर हम दर दर इधर उधर भटकते रहे, इसको पास में इसको पास में, दिमाग भी दर दर, दिमाग भी हमारे दर दर भटकता रहेगा, आज वहाँ जाएगा कल वहाँ जाएगा कल वहाँ जाएगा हैं। इसलिए कहते गुरु वैष्णव सेवा व्यतीत तो मायाबद्ध जीवेर परित्राण लाभेर अन्य कौन उपाय नहीं। इसलिए सचमुच से जो साधु है हैं, सचमुच से जो गुरु जी है, कहते उनकी सेवा के बगैर कहते जीवन में कभी शांति सुख नहीं मिल सकता और जीवन में कभी सुविधा नहीं होगा। कभी हमारे जीवन में जितने कोशिश कर लो, लाख उपाय कर लो तुम हैं अपना सुविधा बनाने के लिए, मंगल बनाने के लिए, कहते हो ही नहीं सकता है,
होगा तो केवल सचमुच से शुद्ध साधुओं की अनुगत्य में ठाकुर को भक्ति को द्वारा हैं। देखो प्रहलाद महाराज उदाहरण दिया, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बोले बच्चों ये बताओ जीवन में कोई दुख चाहता है क्या? बोले नहीं चाहता है। बोले बिना बुलाए दुख आता है कि नहीं? कोई दुख को कोई निमंत्रण देता है घर में आओ, देता है कोई? नहीं देता है। लेकिन वो बगैर निमंत्रण के आता है कि नहीं? आता है ना। देखो बहुत अच्छी बात बताए। बोले उसी तरह तुम्हारी ललाट में जो है ना ना ऑलरेडी लिख गया है, तुम्हारे भाग्य में सब कुछ लिख गया है क्या होने वाला है। इसलिए वो कहते जैसे बिना जैसे दुख को बुलाए दुख आता है, तुम्हारे भाग्य में सुख होगा ना वो कहीं नहीं जाएगा, वो आएगा ही, क्योंकि भाग्य में ऑलरेडी ठाकुर जी लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया है ठाकुर जी हैं, वो आएगा ही। बोले भाग्य में जब लिखा हुआ आएगा क्या करो? तब और एक उदाहरण देकर समझाए। वो कहते हैं भगवान की भक्ति को द्वारा, उनके प्रेम को द्वारा हमारी जितने सुविधा होगा और किसी उपाय को द्वारा जीवन में हम ये शांति सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, इतना हमारी सुविधा हो ही नहीं सकता है। कहते तो उनकी भक्ति को द्वारा, उनकी प्रेम को द्वारा ही जीवन में सुविधा होगा, नहीं तो क्या होगा? एक दुख बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के चौथे, जीवन में आते आते जाएगा हैं। उसमें एक उदाहरण देकर समझाए। देखो जैसे यहाँ आकर तुम्हारी यहाँ पर फोड़ा हो गया, एक फोड़ा हो गया, अगर उसको ऊपर मलम पट्टी कर देंगे फिर क्या होगा आप देखना, वो फोड़ा और एक जगह पर निकलेगा, और एक जगह पर फोड़ा निकलेगा, फिर उसको ऊपर मलम पट्टी कर दो फिर देखना फोड़ा और एक जगह पर मिलेगा, पूरा शरीर में निकलते रहेगा, निकलते रहेगा। लेकिन वो फोड़ा हो रहा है क्यों? उसका कारण क्या? कारण तुम्हारा जो ब्लड है ना वो खराब हो गया है। फोड़ा का जो मूल कारण है ब्लड तुम्हारी खराब हो गया। अगर अपना ब्लड को सही कर दो ना, सारे दुख कष्ट का जो जड़ है हम भगवान की भक्ति छोड़ दिया, भगवान की भक्ति को हमने छोड़ दिया, भूल गए, इसीलिए सारे दुख कष्ट का कारण है। जब जड़ को सही कर दोगे अपने आप सही हो जाएगा, इसलिए जड़ को सही करो। जड़ क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम। जब उनकी भक्ति प्रभु का प्रेम करना शुरू कर दोगे बस देखोगे अपने आप सब सही हो जाएगा। महाराज जी बजाता ने ललाट में लिख इसलिए दिया, जो किया वही लिख दिया। हाँ हाँ, जो किया वही लिख दिया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हमारी सुविधा कैसे होगा, जीवन में मंगल कैसे होगा? बोले तभी होगा जब शुद्ध साधु, शुद्ध गुरु जी की शरण में जा करके हम भगवान की भक्ति करेंगे, अपना स्वतंत्रता को त्याग देंगे हैं, अपना स्वतंत्रता को त्याग दे करके शुद्ध साधु वैष्णव की आनुगत्य में जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तभी जीवन में सुविधा होगा और जीवन में तभी मंगल होगा। और प्रभुपाद के तो इसी के सिवाय जो कुछ जीवन में तुम कर लो कभी तुम्हारी सुविधा भी होने वाले नहीं, कभी तुम्हारी मंगल होने वाले नहीं, मंगल के प्रभु की भक्ति में। हनुमान जी को देखो, अपना मंगल तो किया ही है और सारा दुनिया का मंगल कर रहे हैं। हम जाते हैं ना हनुमान जी, हनुमान जी का नाम सुनावे क्या भूत पिशाच नहीं पास आवा, महावीर जब नाम हाँ, महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत वीरा। हाँ, इसलिए उन्होंने प्रभु का भक्ति किया ना, अपना कल्याण किया तो दुनिया का कल्याण। शंकर जी प्रभु का भक्ति किया ना, शंकर जी दिन भर शंकर जी को देखो ध्यान में बैठे हुए थे, प्रभु का माला जप करते हुए होते हैं। शंकर जी अपना कल्याण किया, देवी ने अपना कल्याण किया, गणेश ने अपना कल्याण किया, इसलिए दुनिया का कल्याण कर रहे हैं। और उनका जो कल्याण हुआ है केवल भगवान की भक्ति से हुआ और किसी को द्वारा नहीं हुआ, ठीक है ना। इसलिए क्या करो, बस डट करके भगवान की भजन करो, ठीक है ना प्रभु जी। माला कहाँ है? हाँ माला करो सवेरे उठ करके, असली जो सवेरे उठ करके असली कमाई को कर लेना। हाँ तीन ये बेजोड़ा चार करना, हाँ चार करना, शाम को छः, हाँ शाम को छः, सवेरे चार, दस माला, बस यही कमाई देखना, यही कमाई आपको पूरा के पूरा ब्याज समेत यही कमाई मिलेगा। और ये जगत का कमाई मिलेगा क्योंकि आपने मंदिर में भगवान स्थापन किया और आपका पत्नी अच्छी है, घर का जो मेन है ना प्रभु जी पत्नी है। पत्नी अगर सही हो ना फिर तो आपको सही लगा देगी, अगर पत्नी अगर सही नहीं हो आप जितने सही हो आप उस खरीद कर नहीं सकते हो, क्योंकि करने वाली वही है, करने वाले। इसलिए भगवान का मुझे लगता है आपको बड़ा आशीर्वाद है, आपको पत्नी ऐसे अच्छी पत्नी मिली है।
हैं, और घर में जो कुछ मिलता है पत्नी की कृपा से मिलती है, इसलिए अच्छे मिली, आपको भक्ति में लगा रही हैं, गलत रास्ता से रोक रही, मतलब बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांगंधर्विका गिरधारी राधा गोविंद गो